हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। डियर एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था बोरिस जॉनसन, जो आपके कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। रिजाइन देने का कारण ये बताया जा रहा था क्योंकि जो बोरिस जॉनसन है, उनके नीतियों से, उनके सरकार चलाने के तरीकों से, वहां के सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर्स के जितने भी लोग थे, मंत्री थे, मिनिस्टर थे, वो उनके तरीकों से, लीडरशिप से खुश नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे सभी सांसदों ने और जितने भी ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, उनके पार्टी के सब ने धीरे धीरे रिजाइन दे दिया और फाइनली बोरिस जॉनसन को भी रिजाइन देना पड़ा। अब सवाल है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ब्रिटेन का। तो इसके लिए आठ कैंडिडेट्स का नाम आया है, जिनका नामांकन भरा गया है प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार के लिए, जिसमें भारतीय मूल के एक व्यक्ति जो ब्रिटेन में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनका नाम है आपका ऋषि सुनक, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है आठ लोगों के लिस्ट में। तो कई सांसदों का, ब्रिटेन में कई सांसदों का, कई एमपी का समर्थन है उनके साथ। ऐसा हो सकता है कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन का हो, वो भारतीय मूल का हो, इंडियन ओरिजिन का हो, जिनका नाम है ऋषि सुनक। तो अब देखते हैं क्या होता है। 5 सितंबर को फाइनली अनाउंसमेंट होगा कि ब्रिटेन का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहें एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।